नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत ग्रोवर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक टिकट टिप के ऊपर एक ऐसी वीडियो जिससे हम मल्टीपैकर शेयर लगा सके और हो भी पैनिक शेयर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमने टिकट टिप की वेबसाइट खोल रखी है। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, टिकट टेप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम अपने सारे स्टॉक्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, नए स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं स्क्रीनर की मदद से। पर अभी हमें यहीं पर जाना है, स्टॉक स्क्रीनर पर। यहां पर आपको टिकट टेप की वेबसाइट पर स्टॉक स्क्रीनर मिल जाएगा। यहां से आप स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर न्यू स्क्रीन पर जाएंगे। न्यू स्क्रीन पर जाते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस साइड पर आपको सभी स्टॉक्स दिखेंगे और इस साइड पर आपको फिल्टर्स दिखेंगे, जहां पर आप फिल्टर ऐड कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। दूसरी बात, हम इस वीडियो के अंदर स्टोकेज एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जहां से हम फंडामेंटल स्टडी करेंगे। स्क्रीनर का यूज करेंगे, जो हम स्टॉक्स निकालेंगे उसके थोड़े बहुत रेशियोज वगैरह देख लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक ट्रेडिंग व्यू नाम से सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर हम चार्ट को स्टडी करेंगे। और अगर किसी को नहीं पता तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है भरत ग्रोवर नाम से, इसके अंदर हमने पहले भी एक ऐसे शेयर निकाल रखे हैं, मतलब एक नहीं काफी सारे निकाल रखे हैं। अगर आप हमारा चैनल देखेंगे, जैसे कि मैंने केसर कॉर्पोरेशन निकाला था, एकदम ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मैंने स्कैम्स वगैरह लगाकर, मैंने लगभग एक साल पहले निकाला था, 18 जनवरी को निकाला था मैंने। और 18 जनवरी के अंदर अगर हम केसर कॉर्पोरेशन को देखें, 18 जनवरी 2022 ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 जनवरी का आ रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे ही हमने वीडियो बनाई थी, मतलब वीडियो का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा एक्चुअली, मतलब हमने एक ऐसा शेयर निकाला जो पहले एकदम साइलेंट था, उसके बाद जब चढ़ना शुरू हुआ हम स्टॉक को निकाला, उसके बाद देखिए 130 रुपए का हो गया, 5 रुपए का शेयर 130 रुपए का हो गया, मतलब 32 से 33 गुना शेयर हो गया। अगर आप उस टाइम पर 5000 रुपए लगाते तो आपके 160000 रुपए हो जाते, अगर 33 गुना के हिसाब से किया जाए 160000 से 65000 रुपए हो जाते। लेकिन आपको कभी भी एक स्टॉक में ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है बड़ी। और मेरे वीडियो को देखकर आप इन्वेस्ट ना करें, पहले खुद की स्टडी करें, बाद में ही किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर पैसे लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम चलते हैं टिकट टेप की वेबसाइट पर। यहाँ से हमें स्टॉक स्क्रीनर पर जाना है, यहाँ से न्यू स्क्रीन करना है। न्यू स्क्रीन के अंदर हम कुछ फिल्टर्स डालेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, हम ये टिकट टेप को ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास उसकी मेंबरशिप है पड़ी, पूरे एक साल की मेंबरशिप है पड़ी अगर आप देखेंगे। और अमाउंट भी आप देख सकते हैं, एकदम शून्य रुपए में, मतलब 0 रुपए में हमने एक साल की मेंबरशिप खरीद रखी है। वो कैसे खरीद रखी है, आप भी खरीद सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो का लिंक दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में ही होगा वो, मतलब है मेरी वीडियो ही, मैं बना दूंगा अभी। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मतलब स्मॉल कैप शेयर निकालेंगे। यहां से हम डायरेक्टली स्मॉल कैप पर कर देंगे, ठीक है गाइस। स्मॉल कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी इतने करोड़ तक की होनी चाहिए, और 0 से लेकर इतने करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरा, क्लोजिंग प्राइस हमें ध्यान रखना है कि हम 5 रुपए से नीचे तक के शेयर निकाल रहे हैं, तो हमने 5 रुपए कर दिया है यहाँ पर। जो भी 5 रुपए से नीचे स्टॉक्स होंगे सिर्फ हमें यहाँ पर वही दिखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, FCS सॉफ्टवेयर, रिलायंस कम्युनिकेशन, विकास इंफोटेक, KBC ग्लोबल, ये मैंने काफी सारे स्टॉक्स को निकाल रखा है पहले अलग वीडियोस के अंदर। लेकिन आज हम एक नया स्टॉक निकालने वाले हैं, तो देखते हैं आज कौन सा स्टॉक निकलता है। इसके अंदर हम PE रेशियो निकलेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब जिस उस शेयर का जितना प्राइस हो उससे कितना परसेंट ज्यादा कमा कर दे रही हो, 20% 45%, मतलब ये रेशियो होता है, आपको अलग स्टडी करनी पड़ेगी। मैं अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए भी कि PE रेशियो वगैरह क्या होता है और बाकी सारे रेशियोज क्या होते हैं। यहाँ पर हम एड फिल्टर करेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे सर्च के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी आ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हम डालेंगे कि जितना उसका प्राइस है उस हिसाब से कितना रिटर्न दे रही है, कम से कम 5% रिटर्न तो दे, या तो जितना मर्जी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न आना चाहिए। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को सुनकर कभी आप पैसे डालेंगे मत, आप अपनी रिसर्च कीजिए उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए किसी शेयर में। एक और एड फिल्टर करते हैं यहाँ पर हम डेली वॉल्यूम लिक्विड शेयर होना चाहिए जिसके अंदर अगर पैसे अटक भी जाएं तो भी सेलर्स और बायर्स पूरी मात्रा में होने चाहिए। अच्छा एक और एड फिल्टर करते हैं डेट टू इक्विटी, एक ऐसी कंपनी निकालो जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो कि उसके पास कर्जा हो ही ना, अगर हो तो 15% तक हो, अगर अच्छी कंपनी होगी तो फिर वो 15% का डेट भी चुका देगी। ऐसा फिल्टर डालेंगे जिससे अगर उसके पास डेट हो भी सही तो उसको चुकाने में आसानी हो, जो कि है फ्री कैश फ्लो, कम से कम जीरो अभी कैश है पड़ा तो अच्छी कंपनी है। पर हमें तीन कंपनी दिखाई दे रही है भाई, सबसे पहले तो कंफर्ट इंटेक, इसने एक साल में 102% रिटर्न बनाकर दिया है। हम ऐसे शेयर देखेंगे जिसने एक साल के अंदर कुछ तो रिटर्न दिया है, ये शेयर भी नहीं काम जाना है कंफर्ट इंटेक के अंदर। कंफर्ट इंटेक क्या काम करती है वो हम देखेंगे। अभी जो मेन हमें यहाँ पर चीज देखनी है टिकट टेप के अंदर, यहाँ पर देखनी है रेड फ्लैग, कंपनी के ऊपर कोई धोखाधड़ी या फिर कोई रेड फ्लैग तो नहीं है कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब ग्रीन फ्लैग के साथ हैं पड़े, उसके ऊपर कंपनी में कोई भी केस वगैरह नहीं चल रहा है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर हम इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में इसने धमाकेदार रिटर्न दिया है, यहां से इसने एकदम हाई मारा था 18 रुपए का, 18 रुपए में इसने हाई मार रखा है और लो मार रखा है 0.22 पैसे पर, और फिलहाल चल रहा है 4.64 रुपए। फंडामेंटल्स पर जाएंगे, रिजल्ट्स में जाएंगे और हम एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर तो हम देखेंगे नहीं, एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ऐसा शेयर निकाल दिया जिसकी सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, इनकम पैसे कमा भी रही है कि नहीं कमा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी फंडामेंटल वाइज अच्छी है, ठीक है। और अगर इसका ओवरव्यू में देखें, NBFC सेक्टर की कंपनी है, वेबसाइट पर चलते हैं, कंपनी प्रोफाइल अबाउट कंफर्ट ग्रुप, इन कंपनीज का ग्रुप है, यहां पर नीचे देखिए इस कंपनी के ग्रुप है कंफर्ट फिनकेयर, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब आप कुछ गिरवी रख सकते हो और उसके बदले में लोन ले सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर हम इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाए तो अगर कुछ गिरवी रखवा रही है तो मतलब कंपनी डूबने वाली तो नहीं है। दूसरी कंपनी देखें कंफर्ट ट्रेड, यहाँ पर कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल कर देखें कि कंपनी की वेबसाइट पर भी रिजल्ट्स आते हैं या नहीं, यहाँ पर देखिए कंफर्ट कमोट्रेड लिमिटेड 11 अगस्त 2023, बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस मुझे भी नहीं आती। कंफर्ट सिक्योरिटीज रिस्क डिस्क्लोजर, ओ कंपनी के सिक्योरिटी, अच्छा डीमैट खुलवा सकते हैं यहाँ पर, तो ये सेबी रजिस्टर्ड तो होनी चाहिए गाइस, तो जी हाँ गाइस ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक सेबी की वो वेबसाइट निकाल कर आया हूँ जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं। बस एक मिनट और रुकिए गाइस, मैं इस कंपनी का सारा बायोडाटा निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशंस, ये लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आप सेबी की एंटिटी स्टेटस वेबसाइट पर जाकर लिस्टेड कंपनीज में जा सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज में यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, तो ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कंपनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की कंपनी है। इंटेक के अलावा कंफर्ट कोमोट्रेड, कंफर्ट फिनकैप,
दोनों कंपनियां भी लिस्टेड हैं बड़ी। मोबाइल ऐप भी जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर पर इनकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, देखेंगे ऐप स्टोर पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये इनकी एक ऐप है बड़ी लुक हारुका। एक कंपनी क्या क्या कर रही है यार, मतलब दूसरा कंपनी की जो मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट तो ठीक ठाक सी है लेकिन जो इसकी अलग वेबसाइट्स है पड़ी, अच्छी वेबसाइट है पड़ी। अगर हम फंडामेंटल वाइज देखा जाए, फंडामेंटल वाइज रिजल्ट्स अगर हम देखें, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सेल्स इसकी बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है। कि जो प्राइस कंपैरिजन हो रहा है ना इनका, कंफर्ट इंटेक, बजाज फाइनेंस और छोला फाइनेंस के मुकाबले, इस शेयर में ग्रोथ काफी अच्छी है। पब्लिक की होल्डिंग्स धीरे धीरे कम हो रही है और प्रमोटर की बढ़ रही है। डिलीवरीज देखें अगर स्टॉकेज के अंदर जाकर, यहाँ पर डिलीवरीज भी 100% होती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है गाइस, यहाँ पर भी हम पास्ट डिविडेंड्स देख सकते हैं किसने कम कब डिविडेंड दिया है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, यहाँ पर जीरो प्लेज है, मतलब कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं पड़े, कंपनी की वेबसाइट अच्छी है पड़ी, कंपनी कई जगह पर काम कर रही है। दूसरी बात सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, ये देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है फिलहाल तो शेयर। इसके प्रोज क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ग्रोथ इसकी अच्छी है लेकिन 3 साल से ये बहुत कम ग्रोथ दे रही है, 5.06 रुपए। अगर ये 5.06 रुपए को तोड़ के ब्रेकआउट दे देते हैं, अभी फिलहाल 4.64 रुपए है, अगर ये 5.06 रुपए को तोड़कर ब्रेकआउट दे देते हैं तो मैं इसके अंदर हो सकता है कि मैं अपने पोजीशन पे बिल्ड करूं, हो सकता है ना भी डन। इस तरह के शेयर हम आपको निकाल निकाल कर देते रहेंगे। करेंसी ट्रेडिंग की, करेंसी ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहो तो मेरी वीडियोस के अंदर जाकर आप यहाँ से ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, करेंसी ट्रेडिंग में आपको आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक से दिखा रखा है, जिसको बिल्कुल नहीं आता ना करेंसी ट्रेडिंग का, उसके अंदर एकदम बारीक बारीक समझा रखा है कि करेंसी ट्रेडिंग होती क्या चीज है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इस तरह की वीडियो। हेलो दोस्तों, और आपको चंद्रयान 3 की बहुत बहुत बधाई, हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है।